प्रिय विद्यार्थियों, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की महत्वपूर्ण इकाइयाँ पंचायती राज संस्थाओं के संगठन, उनकी संरचना, उनके चुनाव, उनके अधिकार, कार्य, पदाधिकारी, उनका वित्तीय प्रशासन, इसके संबंध में हम चर्चा कर चुके हैं। अब अंतिम पायदान पर हैं हम, और आज पंचायती राज संस्थाओं पर राज्य के नियंत्रण के बारे में चर्चा करेंगे। इस पूरी वार्ता को कई भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले सामान्य परिचय, प्रस्तावना, राज्य के नियंत्रण की सामान्य लक्षण और विशेषताएं, नियंत्रण के प्रकार दो तरह के, संस्थागत नियंत्रण और प्रशासनिक नियंत्रण, इसके अलावा टेक्नोलॉजी कंट्रोल, तकनीकी नियंत्रण और वित्तीय नियंत्रण बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये चार प्रकार के नियंत्रण राज्य सरकार द्वारा स्थापित किए जाते हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे और फाइनली कंक्लूड करेंगे अपनी बात को निष्कर्षों के रूप में। सबसे पहले यदि हम प्रस्तावना की बात करें, परिचय की बात करें, तो अक्सर इन पंचायती राज संस्थाओं पर नियंत्रण के पक्ष और विपक्ष में दो पहलू, कोई कहता है कि नहीं नियंत्रण उचित है, कोई कहता है ये नियंत्रण अनुचित है, क्योंकि इनका जो स्वायत्त शासी रूप है वो नियंत्रण से प्रभावी होता है। स्वायत्त शासी स्वरूप के पक्षधर लोगों का ऐसा मत है कि पंचायती राज संस्थाएं या स्थानीय संस्थाओं पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण की राजकीय व्यवस्था इन संस्थाओं के मूल स्वरूप पर कुठाराघात करती है, इसलिए अनुचित है। एक पक्ष कि इनकी स्वायत्तता से प्रभावित होती है, ये स्वतंत्र रह कर के कार्य नहीं कर सकते, या इनको ऑटोनोमस बॉडी कहो ही मत, स्वायत्त शासी संस्था कहो ही मत, यदि भिन्न भिन्न प्रकार के नियंत्रण स्थापित किए जाते हैं राज्य द्वारा तो ये स्वायत्त शासी संस्था है नहीं, एक पक्ष कहता है। दूसरा पक्ष इसका समीक्षक विद्वान जो इस विषय का अध्ययन करते हैं, इसके बारे में दूसरा मत ये है जो कहता है, इस मत से हम पूर्णतया असहमत है कि इनका स्वायत्त शासी रूप नियंत्रण से किसी भी रूप में प्रभावित होता है, इसके विपरीत बात करते हैं। वो कहते हैं इससे स्वायत्तता पर आघात नहीं पहुंचता, उनका संगठन राज्य के अधिनियम द्वारा होता है, वो जो उसका सृजन करती है, जिस राज्य का कानून असेंबली अपने एक्ट के माध्यम से इनका सृजन करती है, तो सृजनकर्ता को उनके नियंत्रण करने का भी पूरा अधिकार होना चाहिए, और वो नियंत्रण उसी सीमा तक होता है जिस सीमा तक कि उनकी स्वायत्तता को किसी भी प्रकार की आंच नहीं आती। तो दोनों पक्ष है, पक्ष में कई बात कहते हैं, कई विपक्ष में भी बात कहते हैं, पर नियंत्रण क्योंकि असेंबली एक्ट से निर्मित है, नहीं तो वो उच्च श्रृंखल हो जाएगी, निरंकुश तानाशाह हो जाएगी, इसलिए थोड़ा बहुत नियंत्रण है, यदि हम सामान्य मत देखें तो आवश्यक होता है। अब यदि इसके सामान्य लक्षण राजकीय नियंत्रण के पक्ष और विपक्ष की हमने बात कही, इसके राजकीय नियंत्रण के सामान्य लक्षण और विशेषताएं देखने की कोशिश करें हम, तो सबसे पहला नियंत्रण का आधार क्या होता है, किस आधार पर यह नियंत्रण करती है। आधार अधिनियम, असेंबली का, विधानसभा का वो अधिनियम जिसके माध्यम से इन संस्थाओं की संरचना हुई है, इन संस्थाओं का गठन हुआ है, वो मुख्य आधार होता है नियंत्रण का, उसी अधिनियम में वो बातें लिखी होती है जिसके आधार पर कि इनका नियंत्रण स्थापित। तो सबसे बड़ा आधार क्या है, सबसे बड़ा आधार असेंबली का एक्ट जिसके द्वारा इन संस्थाओं का सृजन और रचना की जाती है। दूसरा, यदि हम नियंत्रण की प्रकृति और दायित्व तो देखें विशेषताओं में या उसके लक्षणों में, राज्य सरकार का पंचायती राज विभाग एक अलग से विभाग है, राज्य हर राज्य में पंचायती राज विभाग और पंचायती राज के निर्देशक डिपार्टमेंट भी है और डायरेक्टरेट भी है, और जिलाधीश जो जिले में काम करता है, इन संस्थाओं पर नियंत्रण की प्रकृति को निश्चित करते हैं कि किस रूप में, किस तरह से, किस आधारों पर उस पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है, पर मूल ढांचे के अतिरिक्त अधिनियम में जो मूल ढांचा प्रदान किया है उसके
अंतर्गत किन तरीकों से इन पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है, तो डायरेक्टरेट करता है, पंचायती राज विभाग करता है और जिलाधीश नियंत्रण के तरीकों को निर्धारित करता है। अब नियंत्रण के स्तर, ये सब लक्षण हैं, विशेषताएं। नियंत्रण दोनों तरह का होता है, लंबवत और समतल, ऊपर से नीचे की ओर और समानांतर। लंबवत और समतल दोनों प्रकार का नियंत्रण होता है। अब लंबवत यदि देखें, जैसे ग्राम पंचायत पर बड़ी बॉडी, प्रिय विद्यार्थियों शायद आपको याद है, ग्राम पंचायत की बड़ी बॉडी पंचायत समिति जो उसके ऊपर होती है, पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर होती है, और पंचायत समिति पर जिला परिषद का, और जिला परिषद से ऊपर राज्य सरकार का। इन तीनों संस्थाओं पर राज्य सरकार का नियंत्रण होता है, इसको लंबमत नियंत्रण कहते हैं, या ये नियंत्रण लंबवत की श्रेणी में आता है, अर्थात ग्राम पंचायत पर पंचायत समिति, पंचायत समिति पर जिला परिषद, और फिर इन तीनों संस्थाओं पर राज्य सरकार का नियंत्रण। अब यदि समतल नियंत्रण की हम बात करें, तो जिला परिषद पर जिलाधीश का नियंत्रण समतल नियंत्रण की श्रेणी में आता है। जिले में जो कलेक्टर होता है वो जिला परिषद पर नियंत्रण करता है, और जिला परिषद के माध्यम से जो उसके अधीन संस्थाएं हैं, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, इन पर भी नियंत्रण स्थापित करता है। तो ये सामान्य लक्षण या विशेषताएं आती है नियंत्रण की। अब नियंत्रण के यदि प्रकार देखें हम, सबसे पहला प्रकार है इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल, संस्थागत नियंत्रण संस्थाओं द्वारा। ये किस प्रकार का है? नियंत्रण जो सरकार उसके और उसके द्वारा अधिकृत संस्थाओं अथवा इकाइयों द्वारा किया जाता है। ये संस्थाएं हो गई और इकाइयां, ये नियंत्रण इन संस्थाओं के विभिन्न पक्षों के विषय में होता है। कई एस्पेक्ट होते हैं इन संस्थाओं के, उन पर नियंत्रण होता है। जैसे नंबर वन, इन संस्थाओं का क्षेत्र तथा क्षेत्राधिकार, ये तय करना कि क्या क्षेत्र होगा, भौगोलिक सीमा क्या होगी, क्षेत्राधिकार क्या होगा। प्रिय विद्यार्थियों, आपको पता है ग्राम पंचायत का अपना क्षेत्राधिकार होता है, पंचायत समिति का अपना क्षेत्राधिकार होता है, और सामान्यतः जिले का क्षेत्राधिकार पूरा का पूरा जिला। तो ये क्षेत्राधिकार निश्चित करके नियंत्रण स्थापित करती है। फिर इनकी शक्ति, संरचना व चुनाव के तरीकों का निर्धारण करके, राज्य शक्ति क्या होगी, क्या क्या कार्य करेगी, ये स्ट्रक्चर क्या होगा, सरपंच या प्रधान या जिला परिषद सदस्य कितने होंगे, वार्ड पंच समिति के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य, इन सब के बारे में निर्णय करता है। और चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से होगा या किस तरह से होगा, वार्ड पंच फिर उप सरपंच का निर्वाचन कैसे करेंगे, ये सब बातें हैं वो निर्धारित करके अपना नियंत्रण स्थापित करते हैं। फिर कार्यों की प्रकृति का निर्धारण, किस किस प्रकार के कार्य करेंगे, विकास कार्य करेंगे, सिंचाई के कार्य करेंगे, खाद्य और कार्य करेंगे, कृषि कार्य करेंगे, सफाई के कार्य करेंगे, इनकी सब प्रकृति का निर्धारण भी करते हैं। और फिर कार्मिक प्रशासन पर नियंत्रण, कौन कौन से वहाँ बाबू क्लर्क्स, ग्राम सेवक की क्या भूमिका होगी, या BDO की क्या भूमिका होगी, या मुख्य कार्यकारी अधिकारी की क्या भूमिका होगी, उनके अधीन कौन कौन से कार्मिक होंगे, इन सब बातों का निर्धारण करके अपना नियंत्रण स्थापित करता है। फिर अंतर संस्थागत विवादों का समाधान, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति में कोई विवाद हो गया, पंचायत समिति और जिला परिषद में कोई विवाद हो गया, तो उन विवाद का समाधान करके भी अपना नियंत्रण स्थापित करती है। फिर जितना भी रिकॉर्ड होता है, अभिलेख, संपत्ति, इनके संबंधी भी नियंत्रण है वो स्थापित किया जाता है, अर्थात कागज पत्र, अभिलेख वो संपत्तियों का राज्य सरकार या अपने प्राधिकारियों से अवलोकन करा सकती है, उनमें कोई कमी हो तो उनकी कमी की पूर्ति के निर्देश दे सकती है, या कमियों के बारे में चेतावनी दे सकती है। तो इन सब बातों से वो है संस्थागत नियंत्रण है वो स्थापित करती है। फिर दूसरा है प्रशासनिक नियंत्रण, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, प्रशासन को कैसे निर्धारित करती है राज्य सरकार और उसके माध्यम से किस प्रकार अपना नियंत्रण स्थापित करती है। नीति और प्रशासन दोनों, यहाँ पर पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन,
नीति का निर्धारण और नीति का क्रियान्वयन, इन दोनों प्रकार का नियंत्रण होता है और ये नियंत्रण स्थापित किया जाता है। पहली बात निरीक्षण एवं जांच, कभी भी इंस्पेक्शन किया जाता है, वो सामान्य वर्ष में एक बार, दो बार या तीन बार जो भी उपयुक्त समझे, और सडन आकस्मिक निरीक्षण किया जा सकता है, दस्तावेजों की जांच की जा सकती है। इसके अलावा समय समय पर राज्य सरकार सामान्य निर्देशों का प्रसारण करती है कि इन इनको फॉलो करना है आपको, तो उसके माध्यम से भी नियंत्रण स्थापित करती है। कर्तव्यों के निर्वाह में विफल रहने पर नियंत्रण, आप अपने कर्तव्यों को पूर्ण रूप से ठीक प्रकार से पालन नहीं करते तो भी नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। कर्तव्य का नियंत्रण करना, निर्वाह नहीं हुआ है या उस पर व्यय हुआ है, तो आपने काम तो किया ही नहीं और व्यय बता दिया, तो आपका अनुदान भी काटा जा सकता है। तो ये कर्तव्यों के निर्वाह करने में विफल रहने पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। फिर किसी भी संस्था पर, ग्राम पंचायत है या पंचायत समिति है या जिला परिषद है, यदि अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है सरपंच के खिलाफ या प्रधान के खिलाफ या जिला प्रमुख के खिलाफ, तो उस अविश्वास का कार्यान्वयन करके, इम्प्लीमेंटेशन करके भी अपना नियंत्रण स्थापित करती है। इसके अतिरिक्त भिन्न भिन्न पदाधिकारी और अन्य सदस्य है, उनको पदमुक्त करने का अधिकार होता है। सदस्य निर्वाचित हो जाता है पर पता लगता है कि वो निर्धारित योग्यता पूरी नहीं करता है या किसी अयोग्यता का शिकार हो गया है निर्वाचन के पश्चात भी, तो उनके विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा कार्रवाई की जा सकती है, उनको अपने पद से है वो हटाया जा सकता है। इसके अलावा पंचायती राज संस्थाओं द्वारा पारित प्रस्तावों का यदि वो उपयुक्त नहीं है तो उसका स्थगन या निरस्तीकरण करने की शक्ति भी इनको प्राप्त है, और इसके लिए संस्थाओं को निलंबित एवं भंग करना, कर्तव्यों के पालन में असमर्थ रहने या शक्तियों से अधिक शक्तियों का प्रयोग करने, जो उनकी शक्ति नहीं है अतिरेक उससे आगे जाकर के यदि शक्तियों का प्रयोग किया है तो उसका स्पष्टीकरण मांग सकती है। संतोषपूर्ण यदि जवाब नहीं आता है तो भंग की जा सकती है या निलंबित किए जा सकती है समिति, ग्राम पंचायत या जिला परिषद को। तो ये प्रशासनिक नियंत्रण है। उसके बाद तकनीकी नियंत्रण, टेक्नोलॉजिकल, बहुत आजकल तकनीक का युग है, कई प्रकार के इन स्थानीय संस्थाओं को तकनीकी संसाधन प्रदान किए गए हैं राज्य सरकार के, तो इसके लिए मुख्यतः कृषि सुधार के लिए तकनीकी तथा अन्य कार्यों के लिए भी तकनीकियाँ उपलब्ध है, उन सब के माध्यम से है वो नियंत्रण स्थापित करती है। इसके लिए पहली बात योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए तकनीकी अनुमोदन प्रदान करना, आप नई मशीन खरीदे हो या साइंटिस्ट रख रहे हो या एडवाइजर रख रहे हो, तो इसके लिए राज्य सरकार द्वारा तकनीकी स्वीकृति लेनी पड़ती है। इसके अलावा तकनीशियन है वो निरीक्षण, दौरे और व्यक्तिगत भ्रमण करके भी है वो नियंत्रण स्थापित करते हैं। कर्मचारियों को टाइमली सामयिक पीरियोडिकल बैठकें होती है संस्थाओं से तकनीकी आधार पर प्रतिवेदन की, आपको जो टेक्नोलॉजिकल हेल्प मिली उसकी सहायता किस प्रकार से की या उसका उपयोग किस तरह से किया, इसके बारे में प्रतिवेदन मांगा जा सकता है। और तकनीकी अधिकारियों के वार्षिक प्रतिवेदन प्राप्त करना कि आपने क्या क्या काम किए हैं उसके बारे में भी वो मांग सकती है। तो विशेषकर कृषि, क्योंकि ग्रामीण स्थानीय संस्थाएं हैं, कृषि मुख्य कार्य है, तो कृषि के संसाधन टेक्नोलॉजी डेवलप करना, वो खाद हो, बीज हो, मशीनें हो, ट्रैक्टर हो, उन सब के संबंध में जो मद दिया जाता है उनका उपयोग सही हो रहा है कि नहीं, इस तकनीक इसको सबको क्या कहते हैं, तकनीकी कंट्रोल कहा जाता है। और फिर फाइनेंशियल बहुत इम्पोर्टेंट है, वित्तीय नियंत्रण, फाइनेंशियल कंट्रोल राज्य का इन संस्थाओं पर किस प्रकार से स्थापित किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको जानकारी है शायद, राज्य सरकार बहुत सारी राशि अनुदान के रूप में इन संस्थाओं को प्रदान करती है, जिसको अनुदान कहते हैं या वित्तीय सहायता कहते हैं, कभी कभी ऋण के रूप में भी, तो इस राशि का उपयोग सही हो रहा है कि नहीं, ये उसका नियंत्रण जो स्थापित करती है उसको वित्तीय नियंत्रण करते हैं। इसके लिए आय का नियमन करना,
रेगुलेशन ऑफ इनकम, ठीक ढंग से इनकम हो रही है, उसका एंट्रीज बराबर हो रही है कि नहीं, बैंकिंग व्यवस्था का नियमन, बैंकों से यदि कर्ज लिया है या किस तरह से लिया है, किस रेट पे लिया है, कर्ज लिया गया उसका सही उपयोग हो रहा है कि नहीं, इसके बारे में भी राज्य सरकार है इसके माध्यम से भी नियंत्रण स्थापित करती है। बजट के सिद्धांत, बजट के प्रमुख सिद्धांत है आय व्यय अंदराज, किस तरह से कहाँ से आएगा रुपया, कहाँ से जाएगा, उसको बजट कहा जाता है। तो बजट के सिद्धांतों का विनियमन रेगुलराइजेशन करती है, उनका पालन हुआ कि नहीं इसके बारे में है वो जांच करती है। फिर लेखा संसाधारण, आपको अकाउंटिंग प्रॉपर हो रही है कि नहीं, आपकी साधारण जो नीति होती है अकाउंटिंग की उसका पालन हुआ है कि नहीं, उसका विवरण सही तरीके से हुआ है कि नहीं, इन बातों का निर्धारण भी है वो राज्य सरकार द्वारा किया जा सकता है। एंड लास्ट ऑडिटिंग, सबसे इम्पोर्टेंट होता है, राज्य सरकार का अपना एक अंकेक्षण विभाग होता है और केंद्र का भी होता है, तो अकाउंट्स का पूरा ऑडिटिंग तीनों प्रकार की संस्थाएं, वो चाहे ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, जिला परिषद है, इनकी समय समय पर ऑडिटिंग की जाती है। कई ऑडिट ऑब्जेक्शंस लगाए जाते हैं, रीअप्रोप्रिएशन हुआ है तो वो उचित है अनुचित है, किस तरह से हुआ है, रुपये का सही उपयोग हुआ है या नहीं हुआ है, एंट्री सब बराबर है कि नहीं है, इन सब की ऑडिटिंग भी है वो राज्य सरकार द्वारा की जाती है। तो इस प्रकार से ये भिन्न भिन्न माध्यम है जिसके माध्यम से सबसे बड़ी राज्य सरकार है इन ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं पर अपना नियंत्रण स्थापित करती है, संस्थागत नियंत्रण करती है, प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करती है, तकनीकी नियंत्रण स्थापित करती है, वित्तीय नियंत्रण स्थापित करती है, क्योंकि ये संस्थाएं पूर्ण रूप से स्वायत्त शासी नहीं, पूर्ण रूप से नहीं होने का तात्पर्य यह है कि इनको कई रिसोर्सेस सब है, स्रोत है, वो राज्य सरकार की तरफ से चाहिए। जब राज्य सरकार इनको प्रदान करता है तो राज्य सरकार का ये अधिकार हो जाता है कि इन संस्थाओं पर वो अपना नियंत्रण स्थापित करे, और इन सब के माध्यम से है वो नियंत्रण स्थापित करती है। मैंने प्रारंभ में बताया था प्रिय विद्यार्थियों, किसी भी संस्था पर अंकुश नियंत्रण होना अनिवार्य है, नहीं तो दुरुपयोग, रुपयों का दुरुपयोग हो सकता है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो अधिनियम पारित हुआ है पंचायती राज के संबंध में, पंचायती राज अधिनियम, उसमें ये सब बातें नियंत्रण के तरीके भी है निर्धारित किए गए हैं, और उसी सीमा में रहते हुए इन पर नियंत्रण स्थापित कर दिया है। मैं समझता हूँ प्रिय विद्यार्थियों, मोटे मोटे तौर पर राज्य सरकार के नियंत्रण क्यों आवश्यक है, क्यों होना चाहिए, नियंत्रण के तरीके कितने हैं, और नियंत्रण अनावश्यक असीमित अनलिमिटेड कंट्रोल नहीं है, केवल हस्तक्षेप नियंत्रण उसी सीमा तक करती है जहाँ तक कि इनको प्रभावी कार्य करने के लिए आवश्यक हो, तो इसलिए नियंत्रण होना अनिवार्य। मैं समझता हूँ ये जो ग्रामीण स्तर की संस्थाएं हैं इनके राज्य सरकार द्वारा नियंत्रण के जो तरीके हैं उसका पक्ष विपक्ष और उसकी सामान्य विशेषताएं आपको बताने में शायद सफल हुआ होगा। मैं हमेशा इस बात को दोहराता हूँ प्रिय विद्यार्थियों, ये आपने सुना है या कुछ पॉइंट्स आपने नोट किए पर्याप्त नहीं है, आप इस अपने अध्ययन को और अधिक विस्तृत करें, पुस्तकें पढ़ें, असेंबली द्वारा पारित एक्ट हो वो उपलब्ध है बहुत, उसके बारे में पढ़ें, उसमें क्या बातें कही है, कौन से क्लोज में क्या है, इन सब का अध्ययन करेंगे तो आपका ज्ञान है और अधिक विस्तृत होगा, ऐसे मेरे को आशा है। मैं आपके सुखी और सफल भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।